कॉपर्टी आखिर क्या होती है और क्या ये वाकई एक सुरक्षित या सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भनिरोधक है भी कि नहीं है। कॉपर्टी को लेकर अक्सर आमजन के मन में बहुत ज्यादा डर बना रहता है, कई तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं, उनके मन में कई तरह की उलझने होती हैं कि कॉपर्टी क्या वाकई गर्भनिरोधक रूप में सुरक्षित या सेफ ऑप्शन है भी कि नहीं है। कॉपर्टी डालने के बाद कहीं बच्चेदानी के रस्ते से पेट में तो नहीं चढ़ जाएगी ये, कॉपर्टी डालने के बाद कहीं मेरी महावारी तो नहीं गड़बड़ा जाएगी, अत्यधिक ब्लीडिंग तो नहीं होने लगी, अत्यधिक दर्द या पेड़ों में दर्द तो नहीं होने लगेगा, या फिर कहीं मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट कॉपर्टी से जुड़े हुए इन्हीं कुछ चंद सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी और आपके मिथक या भ्रांतियों को भी तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और जैसे कि मैं अक्सर ही कहती हूँ, सबसे पहले ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विश्वसनीय मेडिकल जानकारी अगर आप एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस बराबर शेयर करती हूँ, आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे जो व्यूअर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए नंबर मैं यहां पर भी मेंशन कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉपर्टी क्या होती है। कॉपर्टी को मेडिकल भाषा में IUCD यानी कि इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस या IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। आम जन में ये कॉपर्टी या टी नाम से भी प्रचलित है। कॉपर्टी एक छोटा सा प्लास्टिक का डिवाइस होता है जिसके ऊपर कॉपर धातु महीन तार के रूप में लिपटी रहती है और इस डिवाइस को जब हम बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो फिर ये गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। न्यूअर जनरेशन की जो कॉपर्टी है वो कई ऑप्शंस में उपलब्ध रहते हैं, यानी कि आप चाहे तो उनको 3 साल के लिए लगवा लें, चाहे 5 साल के लिए लगवा लें, चाहे 10 साल तक के लिए भी लगवा सकते हैं। कॉपर्टी आखिर वर्क किस तरह करता है? जब हम ये IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर्टी को बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो फिर ये कॉपर आयंस या धातु को रिलीज करने लगता है जिसके चलते हुए आपके यूट्रस या बच्चेदानी में केमिकल एनवायरमेंट चेंज होता आता है जिसके चलते हुए फिर मेल स्पर्म्स यानी कि पुरुष शुक्राणु बच्चेदानी के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और पुरुष शुक्राणु फिर फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर किसी भी तरह से फीमेल एग फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो का स्वरूप ले लेता है, तो ये फर्टिलाइज एग या एम्ब्रियो ये कॉपर्टी की वजह से बच्चेदानी की दीवार यानी कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं हो पाता, इस तरीके से प्रेगनेंसी इस्टैब्लिश नहीं हो पाती। इस तरीके से जब हम महिला के अंदर कॉपर्टी इंसर्ट कर देते हैं तो ये एक सफल गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। अगर कोई महिला कॉपर्टी इंसर्ट करवाना चाहे तो उसको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कितनी देर लगती है, क्या ऑपरेशन थिएटर के अंदर डालने की आवश्यकता रहेगी, क्या आपको भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं, इनमें से एक भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया एक बहुत ही सफल और सुरक्षित कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसको इंसर्ट करने के लिए मात्र 2 मिनट का ही समय लगता है और बहुत ही आसानी से डॉक्टर्स अपने ही चेंबर या ओपीडी में आपको इसको इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करते वक्त भी आपको नाम मात्र की ही बात पता चलेगी, कोई ऐसा खास दर्द कुछ भी नहीं होता। जब भी आप इसको निकलवाना चाहें तो मात्र 2 मिनट का ही समय लगता है। कॉपर्टी को एक बार डलवाने के बाद आपके डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगली बार जब आपका महीना आए तब कॉपर्टी का एग्जामिनेशन कराने के लिए उनके पास आ जाएं। इसके साथ ही जब तक आपका कॉपर्टी लगा रहे हर साल आप एक बार जाकर नियमित तौर पर डॉक्टर के पास अपने कॉपर्टी का चेकअप जरूर करवाते रहे कि कॉपर्टी यथास्थान ठीक तरीके से लगी भी हुई है कि नहीं लगी हुई है। सवाल, कॉपर्टी एक गर्भ निरोधक के कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में कितना सफल और कितना सुरक्षित है? अगर हम बच्चों में स्पेसिंग या प्रेगनेंसी में अंतर रखने की बात करें तो ये कॉपर्टी इसलिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही असरकारक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। जहां एक तरफ दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डोम्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव की गोलियां हैं जिनको आपको नियमित तौर पर सेवन करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपने एक बार कॉपर्टी इंसर्ट करवा लिया तो उसके बाद आप पूरी तरह से प्रेगनेंसी को लेकर या कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर कहना उचित होगा पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। जैसे कि
कि मैंने वीडियो के शुरुआती हिस्से में ही बताया था, कॉपर टी जो आजकल की कॉपर टी है वो आप अपनी जरूरत या सहूलियत के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको कॉपर टी 3 साल वाली चाहिए या 5 साल वाली चाहिए या 10 साल वाली चाहिए है। बहुत ही आसानी से आप उसको डॉक्टर्स की चेंबर में इंसर्ट करवा सकते हैं। और जब भी आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो कॉपर टी आप अपने डॉक्टर के पास जाकर मात्र 2 मिनट में ही निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड हुआ, यानी कि जब भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए आप मात्र 2 मिनट में डॉक्टर के पास जाकर इसको निकलवा सकते हैं। और इसका सक्सेस रेट 95% से 97% तक रहता है, यानी कि कॉपर टी डलवाने के बाद आप प्रेगनेंसी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि 95% से 97% चांसेस की आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक खास बात बताना चाहूंगी कि जब भी आपको कॉपर टी लगवाना हो तो आपके डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपको खास तौर पर इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कॉपर टी महीना आने के तुरंत बाद ही लगवाना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके 1, 2 या 3 दिन के अंतर में ही आपको कॉपर टी लगवा लेना चाहिए। अब हम आप पहुंचे कि वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि कॉपर टी इंसर्ट करने के बाद आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से ब्लीडिंग हो सकते हैं या फिर अन्य मुश्किल या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्या। जैसे कि मैं वीडियो में बार बार बोल रही हूँ, कॉपर टी एक बहुत ही सेफ और बहुत ही असरकारक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी इंसर्ट करी जाती है तो हमारी बॉडी को उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब कॉपर टी आप कि यूट्रस में इंसर्ट कर दी जाती है तो इंसर्ट करते वक्त या उसके बाद तकरीबन आधा से 1 घंटा थोड़ा बहुत आपको पेड़ों में दर्द रह सकता है या 1-2 दिन तक भी हल्का फुल्का पेड़ों में दर्द बना रह सकता है। आपके डॉक्टर्स इसके लिए आपको पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स उनकी समझ के अनुसार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की सलाह अनुसार दवाइयों का सेवन जरूर कर ले। और अगली 1 से 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होती है तकरीबन 2 महीने तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो तकरीबन 2 महीने तक आप धीरज बराबर बना के रखे रहे हैं, हो सकता है कि अगली 1-2 मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको साइकिल्स के बीच में स्पॉटिंग हो जाए या ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी कि पेड़ों में दर्द थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसको लेकर बिल्कुल भी ना हड़बड़ाएं और तुरंत ही कॉपर टी निकलवाने का निर्णय बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो तकरीबन 2 महीने या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक अपना धीरज बनाकर रखें। अक्सर ये ऑब्जर्व करा जाता है कि 1-2 मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एडजस्ट हो जाती है और फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर आती रहती है। इसके बावजूद भी अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बिना देर करे तुरंत ही मिले और गायनेकोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दें कि आपको जो दिक्कतें हो रही हैं, कोई इन्फेक्शन हुआ या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, वो एक कॉपर टी की वजह से हो रही है या अन्य किसी वजह से, और कॉपर टी रखने या निकलवाने का निर्णय पूरी तरह से आपको अपने डॉक्टर पर ही छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ डिस्कस करे कॉपर टी के क्या साइड इफेक्ट संभावित हो सकते हैं, कॉपर टी एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में कितना सुरक्षित है, कितना असरकारक है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो कॉपर टी या आईयूडी को लेकर भ्रांतियां, उनमें से कई भ्रांतियों को तोड़ पाने में मैं सफल हो पाई हूंगी। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें बल्कि कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों या रिश्तेदारों को व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कर उनको भी अवश्य जागरूक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ध्यान से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉपर टी संभावित आपके जो भी अन्य प्रश्न है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अन्य किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपका कमेंट्स को पढ़कर उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।